पर मनाली से रोहतांग पास की टनेल हमने बनाई, उसके बाद लद्दाख और लेह तक मैं 4 टनेल बना रहा हूँ और रोड बना रहा हूँ। वहां से लद्दाख और लेह से जाकर आशिया की सबसे बड़ी टनेल जोजिला कारगिल के नीचे वो मैं बना रहा हूँ। 50% काम पूरा हुआ है। आपके आशीर्वाद से बहनों और भाइयों, इस टनेल के ऊपर हमने 5,000 करोड़ रुपए की बचत की है। उसके आगे झेड़मोर टनेल हमने बनाई है। झेड़मोर के बाद हम श्रीनगर आएंगे तो श्रीनगर से जम्मू मैंने बहुत बड़ा उसमें 5 टनेल बनाई है, वो भी काम लगभग पूरा हुआ है। और उसी समय कटरा से दिल्ली तक मैं हाईवे बना रहा हूँ। कटरा से दिल्ली जो हाईवे है उसका भी काम जोरों में शुरू है, जिससे दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, अमृतसर से कटरा यानी दिल्ली से कटरा 6 घंटे में और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में हो जाएगा। दिल्ली में हमने रोड बनाया, अभी मेरठ में, दिल्ली से मेरठ 4 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में सफर हो गया। दिल्ली से डेहराडून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में और दिल्ली से मुंबई केवल 12 घंटे में अब इस साल के एंड तक हो जाएगा। मैं देश में बहुत ग्रीन हाईवे बना रहा हूँ, हमारा देश बदल रहा है। पर बहनों और भाइयों, हिमाचल प्रदेश में भी मैं काफी हाईवे बना रहा हूँ, रोपवे बना रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में मैं वाटर रिसोर्सेस मंत्री था, मुझे पता नहीं पर आपके यहाँ लटके हुए प्रोजेक्ट थे, हाइड्रो प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट थे और उन प्रोजेक्ट के निर्माण करने में मैंने उसको अनुमति दी। उन प्रोजेक्ट में जो प्रोजेक्ट महत्वपूर्ण थे उसमें से ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान हिमाचल के विकास में है। ये जो हिमालय है इसमें से पानी रोककर बिजली तैयार करना, उससे यहाँ रोजगार भी मिलता है। तो मैं जब वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो मैंने हिमाचल की 3 योजना को मंजूर करके दिया और 90% रकम मैंने भारत सरकार से हिमाचल की सरकार को दी और जयराम ठाकुर जी को इसका क्लियरेंस करके दिया। मैं हिमाचल प्रदेश में काफी रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे बना रहा हूँ। लद्दाख और लेह में भी 25 जगह पे बना रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ कि अब रोड बनाना बहुत मुश्किल है, टनेल बनाने की जरूरत है और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को अगर जोड़ दिया जाएगा तो आसानी से आपका जाना हो सकता है। और इसलिए ये मनोड़ी से पांगी तक रोपवे किलाड़ तक मैं आपको मंजूर करके मैंने दी है, ये मैं आपको बना के दूंगा, ये वचन मैं आप सबको देता हूँ। भरमौर से भरवाली माता ये भी रोपवे है जिसको मैंने मंजूरी दी है, वो भी मैं मंजूर करके दूंगा। वैसे हिमाचल में कांगड़ा जिले में कुल्लू बिजली महादेव काफी है, 12 रोपवे को मैंने मंजूरी दी है और मुझे ऐसा लगता है कि आपके क्षेत्र में टनल बनाने से भी काफी राहत मिलेगी। पर मैं आपको वचन देता हूँ तो टनल बनाने की भी योजना का हम अध्ययन करेंगे और ये जो ऊपर के पहाड़ है उसको ऊपर के ऊपर अगर हमने इलेक्ट्रिक से जोड़ दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जोड़ दिया, रोपवे, केबल कार, फैनाकुलर रेलवे से, तो आपको काफी दूरी तक इसी प्रकार का नेटवर्क कैसे खड़ा हो सकता है, इसके लिए मैं अध्ययन करके आपके लिए पूरी कोशिश करूंगा, ये वचन मैं आप सबको देता हूं। अभी बेंगलोर में हवा में चलने वाली डबल डेकर बस मैं शुरू कर रहा हूं। बहनों और भाइयों, टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं और नॉलेज ये बहुत बड़ी शक्ति है और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ यही हमारा सपना है। हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, हम हिंदुस्तान को दुनिया की नंबर 1 की आर्थिक शक्ति बनाएंगे। मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूं, अभी हमारे डॉक्टर साहब बात कर रहे थे पेट्रोल और डीजल पंप की और गैस की, अब किसका पंप है और क्या है मुझे मालूम नहीं। और अभी जो किसान है वो अन्नदाता नहीं, उनको ऊर्जा दाता बनाना है। आपको जो परली होती है ना, परली आपके यहाँ होता है क्या? चावल नहीं होता है। परली से हमने बायो CNG, बायो LNG गैस बनाया और परली से बिटुमिन बनाया पानीपत में और अब हम गन्ने के जूस से इथेनॉल बना रहे हैं। मैं इथेनॉल बनाता हूँ, इथेनॉल मैंने देश में लाया है, इस बात का मुझे अभिमान है। अब टोयोटा की गाड़ियां 100% बायो इथेनॉल पर चलती है,
और इस देश के किसान को केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनाने का हमने संकल्प किया। इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, बायो एनर्जी, इलेक्ट्रिक, ग्रीन हाइड्रोजन हिमाचल में बनेगा, रोपवे, केबल कार बनेगी, टनल बनेगी, रोड बनेंगे। और मैं जानता हूं कि रोड के बिना विकास नहीं होगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी इनकी बात का मैं अक्सर उल्लेख करता हूं। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए इसके कारण अमेरिका धनवान भी। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में रोड बनेंगे, टनल बनेंगी, रोप वे बनेंगी, केबल कार बनेंगी, फेनाकुलर रेलवे बनेंगी, इलेक्ट्रिक पर चलने वाली बसेस होंगी, स्कूटर होगी, ऑटो रिक्शा होगी, खुशहाली होगी, समृद्धता होगी, संपन्नता होगी।